बांसगांव थाना क्षेत्र में फरार अभियुक्त शमशेर के घर पर लाउडस्पीकर से अनाउंस करके नोटिस चस्पा किया गया, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि बांसगांव थाना क्षेत्र में एक लड़की गायब हुई थी, जिसके संबंध थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें अभियुक्त शमशेर पुत्र मनीर ग्राम पाली खास थाना बांसगांव वांछित चल रहा है, जिसको देखते हुए न्यायालय ने भगोड़ा घोषित किया है, जिसकी मुनादी कराकर उसके घर पर नोटिस चस्पा किया गया तथा लाउडस्पीकर के माध्यम से सभी नागरिकों को बताया गया यह अभियुक्त इस मामले में फरार चल रहा है। अगर अभियुक्त जल्द ही न्यायालय नहीं आता है तो न्यायालय से आदेश कराकर उसके मकान की कुर्की की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, सुनो ग्रामवासियों, थाना बास गांव के वांछित अभियुक्त शमशेर पुत्र मनीर जो मुकदमा प्राप्त संख्या 80/21 धारा 363 366 354 368 IPC व 9/10 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त हैं। 351 हिंदू प्रतिषेध अधिनियम के तहत वांछित अभियुक्त हैं जो लगातार बदस्तूर फरार चल रहा है, जिनके विरुद्ध न्यायालय द्वारा 82 की कार्रवाई की गई है। अगर न्यायालय या पुलिस में हाजिर नहीं होते हैं तो धारा 83 की कार्रवाई कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। सुनो 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 ग्रामवासियों, पुनः एक बार सुने, शमशेर पुत्र मनीर की धारा 82 की कार्रवाई की जा रही है। न्यायालय में हाजिर न होने पर इनके घर की कुर्की की जाएगी। थाना बांसगांव क्षेत्र में एक लड़की के गायब होने का मामला है, जिसमें 363/66 व अन्य धाराओं में अभियोग पंजीकृत थे। अभियुक्त लगातार फरार चल रहा है, जिसकी वजह से जो माननीय न्यायालय की प्रक्रिया है उसके तहत उसे भगोड़ा घोषित किया गया 82 CRPC के अंतर्गत, और उसकी मुनादी करा करके उसकी 82 उसके घर पे चस्पा की गई है, और आसपास लाउड हेलर के माध्यम से लोगों को बताया गया कि यह भगोड़ा अपराधी है, जहाँ कहीं मिले उसके बारे में सूचना दें, और अगर भगोड़ा अपराधी नहीं आता है तो माननीय न्यायालय से 83 CRPC के अंतर्गत आदेश प्राप्त करके इसके चल अचल संपत्ति की कुर्की की जाएगी।